नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। अफगानिस्तान में जैसे जैसे तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा उतनी तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं और इसको लेकर हर वो फिक्रमंद इंसान डरा हुआ है जो कुछ सोचता। उसी कड़ी में स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने दुनिया से अपील की कि आप हमें छोड़कर ना जाएं। रोज तालिबान हजारों लोगों को मौत के घाट उतार रहा और हजारों बच्चे अनाथ हो रहे और आप ऐसे हमसे मुंह मोड़ नहीं सकते। इसी बीच एक और खतरनाक खबर सामने आई और मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबान युवा लड़कियों को आतंकी समूह के लड़ाकों के लिए गुलाम बना रहा और उनके लिए लड़कियों को लोगों के घरों से पकड़ रहा। सूत्रों के हवाले से द सन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने स्थानीय नेताओं से पिछले महीने 12 साल की लड़कियों से 45 साल की महिलाओं की सूची मांगी थी। अब तालिबानी नेता अपहरण और महिलाओं से जबरन शादी करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की माने तो ये कदम एक कठोर शरिया कानून की वापसी की ओर इशारा करता। अफगानिस्तान में अब पुरुष साथी के बिना महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती और उन्हें हिजाब पहनना जरूरी होगा। कई स्कूल और बिजनेस खत्म हो चुके हैं। अफगानिस्तान में अब महिलाओं को स्कूल जाने की अनुमति सिर्फ तभी होगी जब उनकी टीचर एक महिला होगी। तालिबान ने चेतावनी दी है कि नियमों को तोड़ने वाले किसी भी शख्स को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। महिला संगठन महिलाओं को लेकर काफी डरा हुआ है। इसके साथ ही साथ अफगान पिताओं को डर सता रहा है कि तालिबान लड़ाके उनकी बेटियों को अगवा कर लेंगे और उन्हें गुलाम बनाने के लिए मजबूर करेंगे। तालिबान आतंकवादियों के बढ़ते हमलों को अफगान सेना नाकाम कर रहा है। इसी से नाराज अब्दुल गनी सरकार ने जनरल वली मोहम्मद अहमद जई को बर्खास्त कर दिया। उनकी जगह पर जनरल हेबतुल्ला अली जई को अगला सेना प्रमुख बनाया। जनरल वली को ऐसे समय पर बर्खास्त किया गया जब तालिबान आतंकी देश के 65% इलाके पर कब्जा कर चुके हैं। यही नहीं, शुक्रवार के बाद से अब तक अफगानिस्तान के 9 प्रांतों की राजधानियों पर तालिबान का कब्जा हो गया। ऐसे में पूरा अफगानिस्तान बर्बाद हो गया है और अब बचे अफगानिस्तान पर तालिबान का हमला बर्बाद कर रहा और लोग शरणार्थी शिविर में रहने को मजबूर हो रहे। कोई भी संस्था या देश तालिबान के इस खतरनाक हरकत पर कुछ नहीं बोल रहा। देखना होगा कि आगे क्या होता है और दुनिया इस पर क्या सोचती है।